दोस्तों, हो सकता है कि आपने कलयुग के संबंध में अब तक कई बातें सुनी हो, लेकिन ये हमारा दावा है कि आज तक आपने उन भविष्यवाणियों के बारे में नहीं सुना होगा जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दरअसल आज हम आपको हिंदू धार्मिक ग्रंथों में दी गई जानकारियों के आधार पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां बताने जा रहे हैं जो वर्तमान में हूबहू सत्य होती दिखाई दे रही है। फिर चाहे वो बातें जल प्रलय की हो या तीसरे विश्व युद्ध की या फिर भारत के विश्व गुरु बनने की ही क्यों ना हो, साथ ही ये भी कि युग परिवर्तन होने पर क्या होता है। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप भविष्य मालिका के जानकारों की माने तो कलयुग का अंत अप्रैल 2022 से शुरू हो चुका है। वर्तमान में यह संधि काल चल रहा है। दरअसल संधि काल दो युगों के बीच की समय सीमा को कहते हैं, जिसमें एक युग का अंत व दूसरे युग की शुरुआत होती है, लेकिन यह समय अत्यंत ही कठिन होता है। शास्त्रों में इसे विनाश काल कहा जाता है। इस काल खंड में साक्षात माँ काली अपनी सहचारिणियों के साथ महाविनाश करती है। बाढ़, भूकंप और सुनामी के प्रकोप से पृथ्वी प्रकंपित हो उठती है, घर घर में मोट तांडव करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये सब बातें मालिका के विश्लेषण करता इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं। तो सुनिए, युग परिवर्तन का ये चक्र पहली बार नहीं अपितु इससे पहले भी घटित हो चुका है। यदि आपने रामायण का पाठ किया है या सुना है तो आपको पता ही होगा कि कैसे जब रावण के अत्याचार से संपूर्ण मानव जाति त्रस्त हो उठी थी, तब भक्तों के उद्धार हेतु श्री हरि विष्णु शेषनाग यानी कि लक्ष्मण के रूप में प्रभु के साथ धरती पर अवतरित हुए, और फिर कैसे उन्होंने एक के बाद एक अनेक राक्षसों का वध कर अंत में रावण का संहार करके धरती को उसके अत्याचार से मुक्त किया। उस समय जब युद्ध हुआ था तब भी प्रकृति ने ऐसा ही रौद्र रूप धारण किया था। अंततः लंका का बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया था। लाखों करोड़ों की संख्या में पापियों का संहार हुआ था। फिर उसके बाद आया था राम राज्य। सदियों तक शांति रही, सभ्यता खूब फली फूली, किंतु जब धरती पर कंस, जरासंध व दुर्योधन जैसे अत्याचारियों ने जन्म लिया, तब भी प्रभु को पुनः धरतियों को पापियों से मुक्त कराने आना पड़ा। अब भी महादेव यानी शेष यानी बलराम और श्री हरि यानी कि श्री कृष्ण ने भक्तों का उद्धार किया था। शायद आपको पता नहीं, लेकिन महाभारत के युद्ध में कई देशों ने भाग लिया था। भारी मात्रा में पापियों का संहार हुआ था, और फिर लंका की ही तरह इस बार भी द्वारिका नगरी डूब गई थी। फिर लंबे समय तक धरती पर शांति छाई रही, लेकिन कलयुग में फिर से पाप व अत्याचारियों की संख्या बढ़ने व भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन घटने लगी। भारी मात्रा में गायों पर अत्याचार होने लगे। अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने प्रकृति को हानि पहुंचाना शुरू कर दिया। पहले के युग में केवल रावण और कंस जैसे अत्याचारी हुआ करते थे, लेकिन आज के युग में पापियों की संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। कली राक्षस ने कई लोगों की मति इतनी अधिक भ्रष्ट कर दी है कि उन्हें सामने खड़ा विनाश ही दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही आप हमारी बात माने या ना माने, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार मुंबई सन 2050 तक डूबने वाली है, लेकिन विदेशी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मुंबई सन 2030 तक जलमग्न हो जाएगी। लेकिन जो प्रभु की लीला समझते हैं उनके अनुसार तो मुंबई सन 2025 में ही डूब जाएगी। जल्द ही समुद्र में जल प्रलय आएगा। आप देख ही रहे होंगे कि भारत के कई राज्य जलमग्न होने लगे हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि ये बात आपको डराने के लिए कही जा रही है, अभी तो आप इन जानकारियों को वैज्ञानिक आधार पर भी जांच सकते हैं। न्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 20 इंच से अधिक वर्षा हो चुकी है। कल जिन शहरों में सूखा था आज वहां 10-10 फीट पानी भर गया है। ना लोगों के पास खाना है और ना ही पानी। सोचिए तब क्या होगा जब समुद्र के अथाह जल में आपका शहर समा जाएगा। वैसे ये हाल सिर्फ भारत के ही नहीं अपितु विदेशों के भी हैं। आप भारत के पड़ोसी देशों को ले लीजिए, कैसे श्रीलंका भुखमरी का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान के हालात भी आपसे छुपे नहीं है। चीन ने कोविड में फिर से दस्तक दे दी है। वहाँ की अर्थव्यवस्था जमीन पर आ गिरी है। दुनिया में लगभग 25% गेहूं की पूर्ति रशिया और यूक्रेन मिलकर करते हैं, लेकिन महायुद्ध होने की वजह से अब 25% लोग भूख से मरेंगे। चीन भी बड़ी मात्रा में गेहूं की पूर्ति करता है, लेकिन वो भी अब ताइवान पर हमला करने की तैयारी में जुटा है। और न सिर्फ ताइवान बल्कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे कई अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की तैयारी में भी दिख रहा है। तो क्या इन सब
बातों को जानने के बाद भी आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से महाभारत जैसा युद्ध नहीं होगा? क्या प्रकृति अपना बदला नहीं लेगी? पेड़ों की कटाई के कारण पृथ्वी का वायुमंडल अत्यंत ही दूषित हो चुका है। सूर्य की गर्मी धरती तक तो आती है, लेकिन वायुमंडल दूषित होने के कारण वापस लौटकर नहीं जा पाती है। परिणाम स्वरूप धरती का तापमान बढ़ने लगा है। आसमान से उल्का पिंडों की बरसात हो रही है। अब जानिए इस सब से लड़ने के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं। सन 2014 में प्रधानमंत्री ने आते ही सेना को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया ताकि वे चीन जैसे दुश्मनों का मुकाबला कर सके। वर्तमान में अग्निपथ योजना शुरू की ताकि समय आने पर दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया जा सके, आपातकाल में देश के लोगों की मदद की जा सके। लेकिन ऐसे नाजुक समय में देशभक्ति दिखाने के बजाय देश के युवा देशद्रोहियों के बहकावे में आकर विद्रोह प्रकट कर रहे हैं। यदि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, यदि आज भी आप नहीं जागे, तो इस विनाश में कब मानव समाज काल की भेंट चढ़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इन सब के अलावा भी जगन्नाथ मंदिर में विनाश के कई संकेत देखने को मिल रहे हैं। और भी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था और लगातार बता रहे हैं। अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। बेईमानी, छल कपट व हिंसा जैसी बुराइयों को छोड़कर सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। याद रखिए, आपके प्रयासों से ही सतयुग आएगा। यदि आज आप संघर्ष नहीं करेंगे तो संभव है कि आप सतयुग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि आप महाअवतार कल्कि के दर्शन करना चाहते हैं तो आज से ही महान सनातन धर्म के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दीजिए। मन में भक्ति का दीप प्रज्वलित कीजिए, तभी आप इस कली काल में सुरक्षित रह पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कलयुग के विनाश और सतयुग के आरंभ की। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।